हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके थॉट्स क्या थे जब वो सोने लेटे थे आपके बारे में, वो किस तरीके से सोच रहे थे या क्या चाह रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनका इस कनेक्शन को सोचने का तरीका क्या था। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया अगर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग कैनवस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर कल रात इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे थे? प्लीज हैंडल्स। ओके 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 आपके पार्टनर कल रात इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे थे? आपके पर्सन कल रात कोई बात करना चाह रहे थे आपसे। ठीक है, आपसे बात करना चाह रहे थे, जो काफी टाइम से इस पर्सन ने होल्ड बैक करी हुई है। फोर ऑफ पेंटिकल के साथ इस पर्सन ने कुछ आपको नहीं बताया। कल ये पर्सन चाह रहा था कि आपको वो बात बतानी चाहिए। ठीक है, आपको इतना तो हक है, या तो आपको इतनी इतना आप इस पर्सन पे हक रखते हैं, इस सिचुएशन पे, इस जो आप लोग का रिलेशनशिप है, इतना आपका राइट बनता है, जो इस पर्सन ने बात हाइड की हुई है, जो बात होल्ड की हुई है, एटलीस्ट वो बात अब आपको पता होनी चाहिए। ये पर्सन कल रात आपको कोई कोई एक लंबा मैसेज लिखना चाह रहा था, शायद जिसकी वजह से आप लोग के बीच कोई फाइट हुई है, इसने कुछ आपसे हाइट करा, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है नहीं, वो बात आपको पता होनी चाहिए। सेवन ऑफ सोर्ड के साथ लग रहा है मुझे, इसने कई बार आपकी लाइफ में स्नेकी बिहेवियर करा है, बहुत ज़्यादा इसने आपसे चीज़ें हाइट करी हैं। एक तो इसकी आदत है झूठ बोलना, होल्ड बैक करना, हाइट करना और स्नेकी बिहेवियर करना। ठीक है, मतलब कि स्नेक ठू के निकल जाता है जब आप कुछ पूछें तो कोई क्लैरिटी, मुझे ऐसा लग रहा है सन के साथ आपने कुछ इससे ट्रुथ पूछा था, कुछ क्लैरिटी पूछी थी जो इसने आपको क्लैरिटी दी नहीं। ठीक है, लेकिन कल रात ये पर्सन सोच रहा था कि शायद वो बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है उस बात की वजह से आप लोग के बीच डिस्टर्ब हो रही है। कल रात ये पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहा था, कोई मैसेज लिखना चाह रहा था, शायद इसने एक्सप्रेशन नहीं दिया हो, एक्सप्रेस नहीं करा अपना लव, अपने इमोशंस कभी बताए नहीं आपको, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से इसने आपको बार बार गोस्ट किया। अब वो आप जान सकते हैं वो बात क्या है, कोई 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 चीज़ है जिसको आप पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस चीज़ पे रोशनी आए, उस चीज़ पे क्लैरिटी आए, एटलीस्ट आपका ये जो दिमागी कन्फ्यूजन है वो बाहर निकले। कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन को लेकर? वो आपके साथ मामला को बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने रिजिट और जिद में आकर आपको कुछ नहीं बताया तो वो बताना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, बिल्कुल ये पर्सन आपसे कल रात बात करना चाह रहा था, एक रिकनसाइलेशन की एनर्जी है। दी हैंगमैन, ये पर्सन स्टक है आपके ऊपर, और ये पर्सन आपको, अगर इसमें अगर इसके हाथ में है ये चीज़ें ठीक करना, तो कल रात पूरी कोशिश थी ये पर्सन आपको अप्रोच करे और चीज़ों को क्लियर करे, यहाँ पर एक क्लैरिटी लेकर आए, यहाँ पर एक पीस लेकर आए। ठीक है, देखिए सेवन सेवन की एनर्जी, कोई आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर। सेवन ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास ऑप्शंस रहे, मैं आपको बता दूं, ऐसा हो सकता है ये बहक भी गया हो, ये ऑप्शंस में जाके कनेक्ट भी हो। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ से कुछ एंड हो चुका है इस पर्सन के लिए, क्योंकि आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो ये पर्सन दे नहीं रहा, आप कंफ्यूजन में रह नहीं पा रहे। ये पर्सन समझ रहा था क्यों ये सिचुएशन में इस तरीके की नेगेटिव हालत चल रही, क्यों इतनी स्टकनेस आई हुई है, क्यों यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड हो गई है एक सोच समझ कर चलने की। ये पर्सन सोच रहा था कि आप इसकी तरफ आते रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं, सेल्फ फोकस नज़र आ रहे हैं, आपने आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं, आप अपनी ज़ात पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं। अब आप इस मेंटली स्ट्रेस से बाहर निकलना चाह रहे हैं कि कौन आपको स्टेबिलिटी देगा, ये पर्सन देगा या नहीं देगा, ये पर्सन क्या छुपा रहा है, आपको क्यों क्लैरिटी नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं इन सब प्रॉब्लम से, आप बाहर आना चाहते हैं। ठीक है भाई, ये ईगोइस्टिक है, अपनी ईगो में आके बहुत कुछ सत्यानाश कर रहा है, पर्सन बर्बाद जो कर रहा है अपनी ईगो की वजह से कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, अपना ईगो डाउन नहीं कर रहा, अपना प्राइड डाउन नहीं कर रहा, अपने अपने ये अपनी ये अपने आप को वीक फील नहीं कराना चाहता। इसको ऐसा लग रहा है जो जो बात आपको बता देगा तो आपको शो हो जाएगा कि भैया आपको चाहता है, ईगो में आके हमेशा रुक जाता है, अपने प्राइड में आके हमेशा रुक जाता है आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करने से। ठीक है,
अट्रैक्टिव है, ये पर्सन आपके वो अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, ठीक है। एम्परर एंड एम्प्रेस, ये पर्सन आपको ऐसा लगता है, इस पर्सन एक कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस इसका कंटिन्यूसली चलता रहता है आपको लेकर। यहाँ पे है नाइन ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, बहुत ज़्यादा खुश देख रहा है अपनी लाइफ में। आप सेल्फ फोकस नज़र आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मुझे सेल्फ फोकस नज़र आ रहे हैं। आप चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, लेकिन आप अब चीज़ बिगड़ी हुई चीज़ों पे ध्यान नहीं है आपका, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा था आप इस कनेक्शन के बारे में डीपली सोचने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आप सोचेंगे और फिर इस पर्सन की तरफ वापस आएंगे। इसकी तरफ से ऐसा लग रहा है, मतलब कि आपकी तरफ से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, ये काफ़ी टाइम की कोई क्लैरिटी हो सकती है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है। बहुत टाइम से आप इस पर्सन से ये सवाल कर रहे हैं या कोई क्लैरिटी मांग रहे हैं, ठीक है। जब तक चल सकता था, इस पर्सन ने आपको गोस्ट करके, आपसे बात को छुपा कर, आपको घुमा कर फिरा कर, इसने ये बात आपसे कंप्लीटली छुपाने की कोशिश की, ठीक है। भाई क्या बात हो सकती है वो, प्लीज सेंड सेंस स्पीड गाइड। ये पर्सन आपसे क्या बात हाइड कर रहा है इस वक्त, क्या कल रात ये क्यों सोचकर आपसे, क्या सोचकर ये रुक जाता है बार बार, क्या सोचकर ये आपकी तरफ आने से रुकता है। हायरोफेंट, टू ऑफ कॉइन, बहुत ज़्यादा विजडम है इस पर्सन के पास, अब समझदार होता जा रहा है। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करता है ये आपके लिए, कोई पॉजिटिव बात है, कोई पॉजिटिव बात है, ये इमोशंस फील कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच देख रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनल पा रहा है आपके लिए, और उतने ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच आपको देख रहा है अपने लिए, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर कोल्ड डिटैच होकर आप इस पर्सन से इमोशनली बिल्कुल कट ऑफ करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर्सन एक विजडम, इसको इसके पास एक विजडम है, अपने विजडम से सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन जगलिंग एनर्जी है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी क्लियर है, इसको अभी भी नहीं पता, इसको अपने अपने इमोशंस का एक्सप्रेशन आपको देना चाहिए या नहीं, अपने इमोशन, अपना लव, अपना वनरेबल आपको फील करवाना चाहिए या नहीं। यहाँ पे एक लव वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा केयर करना, लव करना, लेकिन ये अपने आप को सिक्योर अपने रूड बिहेवियर से रखता है, अपने आप को प्रोटेक्ट अपने बिहेवियर की वजह से करता है। जितना आपको बिल्कुल केयरलेस शो करता है, उसको लगता है मैं सिक्योर हूँ, अगर इसने आपको ये बता दिया टावर, बिल्कुल ये इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर इसने आपको बता दिया तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, लेकिन ना बताने की वजह से भी डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ रहा है ये सब कुछ गिर रहा है, खत्म हो रहा है, नाइन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, लेकिन खुद को बहुत ज्यादा स्टक समझ रहा है। आप यहाँ पर मुझे एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह लग रहे हैं, जितना साइलेंट उतना यहाँ पर आपके अंदर एक पर्सनालिटी एक आपकी स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन, टेन ऑफ कप्स के साथ आपको एक कंप्लीट पार्टनर की तरह देख रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पर है सेवन ऑफ सूट, खामोशी से ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है अपनी लाइफ में, मूव ऑन करता हुआ देख रहा है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। टेन ऑफ सूट, बिल्कुल यहाँ पे कुछ एंड हुआ है, टावर की एनर्जी बहुत नेगेटिव एंडिंग है, जो ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, ठीक है, आपको कुछ देना चाहता है और कुछ अच्छा देना चाहता है, कुछ गलत नहीं है, कुछ अच्छा। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके कनेक्शन में, प्लीज सेंशन स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के कनेक्शन में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्यों नहीं कल आपको मैसेज कर पाया कल रात ये पर्सन। सिक्स ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है, ओके एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, डिफेंसिव रहता है, ये अपने इमोशंस को हाइड करना चाहता है, ये अपने इमोशंस पता नहीं क्यों नहीं चाहता, अपने इमोशंस को भी आपको नहीं बता रहा, ठीक है। बेहद लव है, देखिए एस ऑफ कप आया है, बेहद लव करता है, ओवरफ्लो लव हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, लेकिन आपको अपना लव नहीं बता रहा, आपको अपनी क्वीन की तरह देखता है ये पर्सन, अपना पैशन, अपना लव बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ में इसने जकड़ा हुआ है। जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, इस पर्सन को पता है यहाँ पर सिर्फ लव एक्सप्रेस करने से कुछ नहीं होगा, इस पर्सन ने आपका बहुत टाइम दिया है, बहुत यहाँ पर आप ये, और आपको जाने भी नहीं देना चाहता, सच ये है, कल रात ही सोच रहा था ये आपको जाने नहीं दे सकता और ना आपको जाने देगा, ये आपके लिए क्या एक्शन लेने वाला है ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाला है, पीस एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूअर के पार्टनर, मेरे व्यूअर के लिए कल रात क्या एक्शन लेने वाले थे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, अगर नहीं भी दिया तो क्या लेने वाले हैं, इन फ्यूचर क्या एक्शन रहेगा इस पर्सन का।
फाइव ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस। मुझे यहाँ पर भी आप अकेले नजर आ रहे हैं। आप अगर एफर्ट करें तो कम्युनिकेशन हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप भी अपनी जरा थोड़ी सी अकड़ में आ चुके हैं। फोर ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास यहाँ पर, इस पर्सन ऐसा हो सकता है पास में आपको जगल जगल किया है, रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफेंसिव हो रहे हैं। पर इसका स्नेकी बिहेवियर इस कनेक्शन को एंड कर रहा है। इसका अकड़ना, इसका इस रिश्ते को वैल्यू ना देना, ठीक है, आपके ऊपर आपको बर्डन दे रहा है। आप ये बर्डन नहीं उठाना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में भी आप ये बर्डन नहीं उठाना चाहेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल के साथ होल्ड बैक कर रहा है अपना पैशन, अट्रैक्शन, अपना लव, आपके लिए केयर, ये होल्ड बैक कर रहा है। फ्यूचर में भी होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट है आप इसकी, कंप्लीटली विश करता है आपको, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए ड्रीम देख रहा है। देखिए कोई भी यहाँ पे एक्शन कार्ड नहीं है, सिर्फ ड्रीम देख रहा है, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है। और आपको यहाँ पर अब एक्शन की ज़रूरत है। आपकी लाइफ इस पॉइंट पर है, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन एक्शन लेगा तो चीज़ें आपके सामने आएंगी, चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कल रात ये पर्सन सोच रहा था कि जैसे अब आप इस पॉइंट पर हैं, इसका आपका लाइफ का ऐसा टाइम चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये क्यों आपकी तरफ नहीं आ पा रहा? ऐसा क्या प्रॉब्लम, ऐसा क्या इशू चल रहा है? ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ क्यों नहीं आ पा रहा? क्या प्रॉब्लम है? थर्ड पार्टी है, कौन है इसकी लाइफ में, कौन है जिसको रोक रहा है? ओके भाई, किसी चीज़ की कम्प्लीटली माफ़ी मांगना चाहता है सबसे पहले तो ये, ठीक है, माफ़ी मांगना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है इसने जो भी गलत किया है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन शिकार है दो राय का। अब देखते हैं वो क्या है। कोई फादर फिगर हो सकता है, क्वीन ऑफ फैंस, किंग ऑफ फैंस एंड मून। मुझे लग रहा है यहाँ पर इस पर्सन का कोई पास्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई पास्ट है जिसको बहुत गौर से देख रहा है। इसने किसी और को चूज़ किया, किसी और की तरफ अट्रैक्शन में गया, और उस चीज़ की क्लैरिटी आप डिमांड करेंगे, ठीक है। आप इस ये अपने आप को कंट्रोल, इसको मजबूरन करना पड़ रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आप इससे कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आप किसी सच 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 ट्रुथ इसने अब तक एक्सप्रेस क्यों नहीं करा? ये अचानक फीलिंग्स आई, अगर पहले से थी तो ये इस तरीके से आपके साथ बिहेवियर क्यों कर रहा था? एक क्वेश्चन मार्क है इस पर्सन, आपके पर्सन, आपके माइंड में, आपके पर्सन के पास वो चीज़ जवाब नहीं है। क्लैरिफाई, किंग ऑफ फैंस, द वर्ल्ड, बिल्कुल वो साइकिल ख़त्म हो चुकी है, वो सब एंड हो चुका है। एट ऑफ फैंस, यहाँ पर आपसे बात करने में जो घबरा रहा है किसी पास की वजह से, ठीक है, मैरिज करना चाहता है। कमिटमेंट का मुझे कार्ड पहले भी मिला था और अभी भी मिला है। ये आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देख रहा है, वहाँ स्टोरी एंड हो चुकी है जहाँ भी गया था। बिल्कुल आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आपको कम्प्लीटली ये पर्सन अप्रोच करना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। कल रात इसकी फीलिंग्स क्या रही, ठीक है, अब हम फीलिंग्स पे जाते हैं। इस पर्सन की कल रात फील क्या कर रहा था आपके लिए, और आपके बारे में थॉट्स क्या थे, सोच क्या रहा था और फील क्या कर रहा था, ये दो चीज़ें देखेंगे। कल रात इस पर्सन की क्या थे, इस पर्सन को, इस पर्सन का कोई पास्ट है, कोई पास्ट हिस्ट्री है इस पर्सन की, और कुछ हद तक आपके सामने भी है वो पास्ट हिस्ट्री, जिसकी वजह से ये घबरा रहा है, कतरा रहा है आपके सामने आने से। और जब ये आएगा तो जाहिर है उन सब चीज़ों पे भी बात होगी। कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या रही, प्लीज़ साइंस एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या थी? ओके ओके, भाई आपको एडमायर कर रहा है, बहुत खूबसूरत इंसान की तरह देख रहा है, एक ब्यूटीफुल इंसान की तरह देख रहा है। आपके साथ मैरिज कमिटमेंट के ख्वाब है। फोर ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल मुझे एक अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन यहाँ पर है। अब एक्शन वाले कार्ड, जहाँ फीलिंग्स आ रही है ना वहाँ एक्शन वाले कार्ड से अपने अपना पैशन भी आपसे हाइड करता है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है आपको लेकर। फीलिंग्स इसके लिए बस इसका दिल हो रहा था कि कल रात आप एक साथ होते, एक क्वालिटी टाइम होता, आप लोग चीज़ों को सोचते समझते, रिजॉल्व करते, इस चीज़ों, इन सब चीज़ों में आप यहाँ पर कुछ विजडम से एक्ट करते। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, कल रात ये आपसे सोच रहा था, मैरिज के ड्रीम देख रहा था, फैमिली चाहता है ये पर्सन, आपके साथ एक्सपेंशन चाहता है लाइफ में, ठीक है।
टू ऑफेंस के साथ इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर मूड का शिकार है, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है, लेकिन यहाँ पर स्कैरी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करना चाह रहा है इस कनेक्शन में अपने आप को। ये चाहे तो ये अपना पैशन को छोड़ सकता है और यहाँ पर आपकी तरफ आ सकता है। बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहा है, खुद की अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। इसका थॉट्स क्या थे आपको लेकर, ये पर्सन कल रात सोच क्या रहा था, थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा था आपके पार्टनर के, कल रात ये पर्सन थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा था। डीपली ये पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक लाइफ स्टार्ट करना चाह रहा था कल रात, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, इसके लाइफ में बहुत ऑप्शंस रहे हैं पास्ट में, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन अब आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ, क्वीन ऑफ पैंटिकल था आप देखिए, क्वीन किंग ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबल चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ सूट, फाइव ऑफ कप्स, देखिए आपका पास जो है ना वो इफेक्ट कर रहा है अब यहाँ पर जजमेंट। ये पर्सन इसने डिवाइन को सरेंडर करा, इस कनेक्शन को, इस पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से एक एंडिंग, देखें डेथ, मैं कह रही हूँ पास इफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इसने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया। बहुत बार सोचता है आपकी तरफ आए, सरेंडर इस तरीके से करा, डिवाइन ने अगर चाहेगा तो डिवाइन आप दोनों को एक साथ मिला देगा, लेकिन कुछ गलती कर चुका है ये, जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा आपके सामने आके, उनको समझ नहीं पा रहा, उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है इसके पास, ठीक है। एक्सेप्ट करके अपना ईगो डाउन करके आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, इसको पता है ये गलती कर चुका है अपनी लाइफ में, क्लियर है बिल्कुल, ये आपके लिए क्लियर है, इसको पता है यहाँ पे कोई मिस्टेक हो चुकी है जो गलत किया है। नाइन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, देखें यहाँ पे ये पर्सन है इस लेडी के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन मार्क्स से ये नहीं चाहता, आपने भी मार्क्स यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, मतलब कि आपने भी मार्क्स वेयर करा हुआ है, इस पर्सन ने भी मार्क्स वेयर किया हुआ है, आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को अब हाइड कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्लियर हैं यहाँ पर। आप खास तौर पर इस पर्सन के साथ कोई जस्टिस चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि जस्टिस मिले, डिवाइन जस्टिस, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच लेफ्ट इन द कोर्ट एक नेगेटिविटी आपने बहुत करीब से फेस करी इस कनेक्शन में, आपको शक है यहाँ पर कोई और पर्सन है आपके अलावा, और भी लोग हैं आपके अलावा, या और भी कोई और थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई है। ये पर्सन एक फ्लर्ट एंड फन किस्म की नेचर का रहा है, बहुत ज़्यादा ये लोगों के साथ कनेक्ट करना और लोगों के साथ डेटिंग करना, लोगों के साथ बहुत कुछ, मतलब कि इसको ये समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इसने आपको, आप इतने दिमाग से सोचने वाले इंसान नहीं थे, इसने आपको दिमाग से सोचने में मजबूर कर दिया, और अगर ये नहीं किया है तो ये सब हो रहा है आगे, या तो आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ये इमेच्योर पर्सनालिटी है, थोड़ा सा मिच्योर होने के लिए इसको वक्त मिल चाहिए, चाहे इससे कितने एक्सपीरियंस कर लिए, लेकिन वो कहते नहीं है ये चाहे 10,000 लोगों को परफ्यूम गिफ्ट करे या 10,000 के साथ रहे, लेकिन लड़की तो एक मिलनी है, लड़का तो कोई एक मिलना है, चाहे लड़कियाँ कितने ही लड़कों या लड़कों के साथ अपनी लाइफ को कनेक्ट कर ले, लेकिन एक ही लड़का मिलना है, शादी एक बंदे से ही होनी है। अब चाहे लड़का कितनी लड़कियों के साथ कनेक्ट हो जाए, लेकिन एक से होनी है, ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। और अगर अगर ऐसा चल रहा है तो आप किसी, अगर ये अभी ये चल रहा है, ये अभी आपके लिए फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की पोजिशन में नहीं है अपनी ईगो, क्योंकि यहाँ पर जो आप इसके साथ, आपको जो इसको रिस्पेक्ट देते हैं ना, इसका ईगो बूस्ट होता है, जो ये आपको ही दिखाता है, कोई और वो हैंडल नहीं करेगा इसका ईगो, जो आपकी वजह से बूस्ट होता है वो ही आपको दिखाता है, इसको समझ में आएगा ये आपके लिए प्यार करता है। जब समझ में आएगा काफ़ी टाइम, अगर ये सिचुएशन आप लोग की ऐसी नहीं चल रही तो बहुत स्टकनेस को आपकी लाइफ में टाइम गुजर जाएगा, आप स्टक रहेंगे, ये खुद भी जो भी ऑप्शन एक्सप्लोर करेगा वापस आपके ऊपर आके स्टक हो जाएगा, इसको रियलाइज़ होगा और सडन रियलाइज़ होगा जब ये सिचुएशन बिल्कुल आप यहाँ से एक एंड करेंगे, फिर आपको ये चाहेगा एस ऑफ पैंटिकल, कुछ स्टेबल और कमिटेड देना, ठीक है। फिर आपको चाहेगा ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, ये चाहेगा आपको मैनिफेस्ट करे, आपको कुछ सॉलिड दे ताकि आप इसकी लाइफ में रुकें, लेकिन अभी तो आप इससे पूछेंगे, अगर आप अभी पूछेंगे अभी तो यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल बिल्कुल आपसे कमिटमेंट भी चाहेगा, अभी ये बहुत ज़्यादा एक फन फ्लर्ट की एनर्जी में है, और अगर आपके इस कनेक्शन को सालों हो चुके हैं, 2-3-4 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ गया है, लेकिन ये कल कोई भी एनर्जी हो, कल आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा था, कल आप मिसिंग एनर्जी थी, आप इसकी लाइफ का एक पजल है, एक मिसिंग पजल है, एक खूबसूरती है जो पीस देते हैं इस पर्सन को, ठीक है भाई। इसकी लाइफ में हिस्ट्री है, लव हिस्ट्री है, ये लोगों के साथ कनेक्ट हुआ है, इसने लोगों को एक्सपीरियंस करा है, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल मासूम है, सिर्फ आपको याद करता है, नहीं आपसे बात नहीं हो पा रही, अपना दिमाग भटकाता है, चैटिंग वगैरह कर लेता है लोगों से, ठीक है।
चैटिंग वगैरह कर लेते हैं, अगर शादी की बात करी जाए तो उसको समझ में शादी का, तो ये सोचते हैं यार आप एक परफेक्ट और कंप्लीट पर्सन है जो इसको इमोशनली भी आप कंप्लीशन एक स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, इट्स टाइम टू फॉर हीलिंग नॉट वार। आप लोगों के बीच ये सब कुछ हो चुका है, यूनिवर्स कह रहा है इस वक्त आप इस पर्सन से ना लड़ें। टावर मोमेंट मुझे बार बार दिखा है, कोई टावर से गुजर रहा है ये कनेक्शन, लेकिन आपको कुछ लड़ना नहीं है, ये वार का टाइम नहीं है, यहाँ पे एक पीस का टाइम है। ठीक है, यहाँ पे यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। आप शुगर डिजर्व करते हैं, सॉल्ट नहीं, तो सॉल्ट को चूज मत करें, कड़वाहट को अपनी जिंदगी में उसको निकाल दें, कड़वाहट नहीं लाएं। ठीक है, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। ठीक है, अपने साथ डेट पे जाएं, अपने सेल्फ को प्रायोरिटी दें, अपने सेल्फ सेल्फ के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर टेक कंट्रोल योर ओन ओन योर ओन पूरा जो आपको जो एक आपको जो माइंड है ना, ओन माइंड ओन सोल, जितने भी आप खुद कंट्रोल लें उसका, किसी और को मत दें। ठीक है, योर अर्न यू आर। ठीक है, योर स्टेप इज। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए आए। ठीक है, यहाँ पर है डू इट फॉर यू, आप कुछ भी कर सकते हैं, डू इट फॉर यू, जो चिल चाहे जो चाहे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मेक द चेंज, आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर अपनी अपनी एबिलिटी को समझ नहीं रहे। रिलीज़ योर गिल्ट, अगर आपको गिल्ट है इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने का, तो गिल्ट रिलीज कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है आपने बार बार चूज़ करा, वो भी इस पर्सन को चूज़ करा जो आपको समझने के लिए, जो आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस गिल्ट को रिलीज़ कर दें, या आप इस गिल्ट को मत लेकर चलें, ये आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। ठीक है, ये फ्यूचर नहीं है आपका, कुछ चेंज लाएं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप चेंज लाएंगे। इस पर्सन ये पर्सन सही है आपके साथ है, लेकिन अपनी लाइफ अपने सेल्फ के लिए क्या करें। जैसे ये लड़की अपने हेयर कट कर रही है, मतलब कि आप पे आपको अपने अपेरेंस पे काम करना है, अपनी ब्यूटी पे काम करना है, अपने सेल्फ पे वर्क करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना है, अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह। काइंडनेस मत ख़त्म करें, बार बार मैं कहती हूँ काइंडनेस मत ख़त्म करें, एक लॉयर और एक ऑनेस्ट लवर बनना मत ख़त्म करें, लेकिन खुद को ऐसा बनाएं कि कोई आप सामने वाला पर्सन आपके साथ लॉयलिटी और ऑनेस्टी से चल सके। ठीक है, मैं स्टडिंग को यहीं पर रखती हूँ, लिंक अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।